अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदार फहद तैयूम है और मैं ऑल पाकिस्तान लाइफ स्टॉक इंटीरियर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मैं आज आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। तमाम जो कराची के जो कुर्बानी के शौकीन हैं, जो कुर्बानी शौक से करते हैं कराची में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो कोरोना वायरस की वबा है उसकी वजह से मुल्क के सूरत हाल जो है कुछ ऐसे बन गए हैं कि जिसमें महंगाई बढ़ते जा रही है जी। और जो व्यापारी, जो फार्मर, जो किसान दूर दराज इलाकों से आया हुआ है, उसका माल बिकने में उसे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस बात का पूरा एहसास है कि शहर के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें उनके कारोबारी मामलात और घर के मामलात दोनों शामिल हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो इस मंडी को कामयाब करें जी। मंडी को कामयाब करने का सबसे बड़ा तरीका है कि SOPs पे इस मुकम्मल तौर पे आप अमल करें जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई SOPs हैं उन पर अमल करें जी। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर अंदाज में इस मंडी को हम लेके चलें आगे। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो गरीब फार्मर पीछे पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से आया हुआ है, KPK से आया हुआ है, आप उसका सोचें। मेरी सबसे अर्ज ये है कि आप उसकी सहूलत देखें, उसकी परेशानियां, उसकी मुश्किलात देखें जी। हो सकता है जी कि वो अपने पूरे साल के पैसे जमा करके जानवर खरीद के, जानवर को पाल के यहाँ पे बेचने की नीयत से आया है, जिससे किसी ने अपनी औलाद की शादी करवानी है, किसी ने जो है अपने अस्पताल के अखराजात निकालने हैं जी। तो उनकी फिक्र करते हुए जी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि बड़े माल को के जो शौकीन हैं वो बिल्कुल बड़ा माल खरीदें जी, अपने दिल और अपने शौक के मुताबिक माल खरीदें। मगर जो दूर दराज इलाके से आए हुए हैं उनके लिए सहूलत का हम सब साथ दें अगर, तो हम सब अगर मुनासिब पैसों में एक एक जानवर लेकर जाएं जी, तो हम इनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जी। तो मैं तमाम फार्मर्स की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे ये परेशान व्यापारी किसान भाई आए हुए हैं, हम इनकी बेहतर से बेहतर इनकी मदद कर सकें जी। इंशाल्लाह हम इनकी मदद करेंगे जी, अल्लाह हमारी मदद करेगा जी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने कुर्बानी के शौक के साथ साथ हम ऐसे काम करें जिसमें अल्लाह ताला हम से मजीद राजी करें। बहुत मेहरबानी आप।